तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले अपने सुबह को मेरा प्यार भरा पढ़ना। तो आज है मेहंदी और यहाँ पर मेहंदी होती है, मतलब सुबह स्टार्ट कर लिया इन्होंने। तो चलो चलती हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। फिर लग रही है मेहंदी और यह तनु और सब तैयार हो गए ना, सब अच्छे ही लग रहे हैं। वो बैठी हैं दोनों, दुल्हन के हाथ पे भी लग रही है। तो यहाँ पर मैं लोगों को दिखाने लग गई थी कि लोग कैसे कैसे तैयार हो रखे हैं। तो सबने ना वो वाला टैग पकड़ा था, ऐसे पकड़ा था ना, मम्मी पापा बहन भाई वाला टैग। तो इन्होंने भी पकड़ा था मासी वाला टैग, और नानी जी ने पकड़ा था उधर नानी वाला टैग। तो सब ना बोले थे कैसी लग रही हूँ मैं। तो सब तो अच्छे ही लग रहे थे। और ये कुछ ऐसा ऐसा था मेहंदी का फंक्शन। तो सब अपने अपने में लगे थे। और तन्नू भी, तन्नू तो आज गुस्सा हो गई थी मेरे साथ। तो यहाँ पर लग रही थी दुल्हन की मेहंदी। और मैं वॉइस ओवर इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मतलब वहाँ पे बहुत हल्ला हो रहा था और फिर मेरी आवाज़ ही नहीं आ पा रही थी, तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर डाल दिया। यहाँ पे चल रहा है फोटोशूट सबका, कोई किसी के साथ, कोई किसी के साथ। तन्नू का भी साइड है, तन्नू फोटो नहीं खींच रहा। जा तन्नू, जा ना, तेरी वीडियो बनाऊंगी। दादी जाओ आपकी फोटो। स्टाइलिश मामा दे, तो मामा ही तो होता। नहीं नहीं मौसा 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 कहाँ गया वो? दो 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 ये निकल गया। दादी स्माइल करो, मम्मी देख हो गया। तो यहाँ पे ना सबका फोटोशूट चल रहा था और आवाज़ ही नहीं आ पा रही थी, मेरी आवाज़ दबी गई थी। तो मैंने सोचा मैं ऐसे ही डाल लेती हूँ ना। तो यहाँ पे दुल्हन के हाथ में लग रही है मेहंदी, और क्योंकि रात को, हाँ रात को इनकी सगाई थी, इसलिए इन लोगों ने क्या किया था कि दिन में ही मेहंदी कर ली थी। और ये दुल्हन की सारी बहनें हैं। अच्छा, शाइनिंग चालू है। बड़ी बुफो बैठ हो जाओ, बहू दादी और उनकी खींच रही है। अब खींचो ना। ठीक है, वो अच्छा लग रहा है। बड़ी बुफो मामा की टोपी कितनी अच्छी लग रही है। अच्छी है ना? बड़ी बुफो उधर जाओ, आपके पीछे से आ रही है मेहंदी। और मेहंदी के बीच में एक दुल्हन भी बनी थी, मेहंदी बहुत 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 अच्छी लगी थी। देखिए दूसरे हाथ में स्टार्ट हो चुका है मेहंदी लगना। और उधर जो दूसरी साइड थे ना, वहाँ तो फोटो शूट ही चल रहा था। तो यहाँ पे जो दुल्हन है, दुल्हन की सारी बहन है, मामा पप्पू की बेटी, और उनका चल रहा था फोटो शूट। और ये देखिए तब फोटोग्राफर भैया बता रहे पोज, ऐसा पोज मारना, वैसा पोज मारना है। तो वो अपना पोज बना रहे हैं। तो सब वेट कर रहे हैं कि कब हम दुल्हन के साथ फोटो खींचे।
क्लोज लियो बॉटम आगे आगे कभी बुलाओ चलो कभी कभी कसो रेडी पीछे से बैक साइड से ना आपको एक एक हैंड उठाना है ठीक है शाउट करेंगे फोन रख दो प्लीज फोन ठीक है इधर से साइड वाले इधर से अपने हैंड्स उठाएंगे इस साइड से आप लोग भी इधर से उठाएंगे फेस के किसी के भी बीच में नहीं आना चाहिए ठीक है बच्चे सामने के कोई फेस के पास ना लाना है साइडों वाले उठाएंगे सारे और पीछे से बैक साइड वाले रेडी यस प्लीज अरे मेरी भी सुन लो मैं चिल्ला चिल्ला के परेशान हो गया रेडी 1 2 3 शो वन मोर भैया आप ना हैंड उठाओगे इसके फेस के सामने आ रहा है वो मत उठाओ वो वाला उठा लो बाहर निकाल लो ना इससे ऐसे करके ये लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड ठीक है रेडी रेडी 1 2 3 गो शो टहल सकन बुएल की भी तो अभी मैं आ गई थी अंदर क्योंकि बाहर मैंने उधर जितना मैंने वो करना था ब्लॉग बनाना था उतना मैंने बना लिया था क्योंकि उसके बाद उन लोगों का ही फोटोशूट चल रहा था और पीछे से गाने की आवाज़ भी आ रही थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे वॉइस डाल दिया है क्योंकि कॉपीराइट तो मेरे पीछे ही पड़ा रहता है आने के लिए तो अब हो चुकी है फिर मेहंदी ख़त्म और अब इसके बाद मेहंदी के बाद आई थिंक कीर्तन संगीत का जो फंक्शन होगा उसका अलग ब्लॉग आएगा तो उस ब्लॉग का आप लोग ढेर सारा प्यार दें तो पूरा वीडियो देखना और बताना आपको कैसा लगा ये मेहंदी का फंक्शन और वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को आगे से आगे शेयर करना और बहुत सारा प्यार